नमस्कार एंड जय हिंद मेरे सभी साथियों। YouTube में जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे शॉर्ट्स को देखते हैं और पसंद करते हैं, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया चैनल को, सबसे पहले मैं उन सभी को जो है दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा ये YouTube चैनल बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब किसी का वाहन रुकाया जाए चेकिंग के दौरान, तो कोई ये ना कहे कि सर मुझे ये नियम का पता नहीं था, मुझे ये रूल्स मालूम ही नहीं था सर। और किसी को यदि वो नियम नहीं पता है और उसके बाद उसका जुर्माना हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। तो मेरी कोशिश हमेशा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रणाम, क्रिएटिव वर्ल्ड 25, फिर प्रणाम भाई सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। और मैं चाहता हूँ सैम ब्लॉग अपूर हाय, बहुत अच्छा लगा मुझे, लोगों ने मेरे काम को पसंद किया। मैं 2013 में पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस ज्वाइन किया था, उसके बाद से लेकर अभी तक जहां भी ड्यूटी करता हूं तो मुझे अपने पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिलता है। सैलरी पूछ रहे हैं, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट की सैलरी आप सभी को पता होगी, लव यू टू लड्डू ठेकेदार। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं आज। देवकी सिंह थैंक यू सो मच, संदीप हाय हेलो, अंकित गिरी ओके, रविश कुमार जी नमस्कार, दिनेश भाई नमस्कार, शिवा गौतम जी हाय हाय, सिपर कानपस हेलो सर, हेलो 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 टू एवरीबॉडी। बहुत प्यार मिला आप लोगों का, और कई लोग बोला करते हैं कि सर आप तो जो है तो टीचर की तरह बिहेव करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हम जो हैं एक पब्लिक के सर्वेंट हैं, और उस हिसाब से अगर बात करें तो हमें पब्लिक का ओपिनियन लेना चाहिए। मैं विवेकानंद तिवारी मेरा नाम है, वेरी गुड, द ऑफिशियल फाइनल शशांक पटेल जी, विवेकानंद तिवारी हूँ। पूरे देश और दुनिया से बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूँ, आज लाइव हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जो मैंने वीडियोस बनाए थे, डे टू डे मैं वीडियोस बनाया करता हूँ, और कुछ दिनों से जैसे वीडियो नहीं बना आ पा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं इस मोबाइल के थ्रू अपनी बात पहुंचाने के लिए ये चैनल बनाया हूं। मेरा केवल एकमात्र उद्देश्य है, इससे बिल्कुल भी पैसा कमाना ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं नहीं है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हमको जितनी तनख्वाह मिल रही है हम बहुत प्रसन्न है उससे, और आप लोगों की जो दुआएं हैं ये किसी भी वेतन से कम नहीं है। तो अक्सर देखने में आता है कि छोटे शहरों में जहाँ ट्रैफिक कम है, वहाँ लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस बहुत कम है, वहाँ लोगों का जो जानते भी हैं वो पालन नहीं करते हैं, जो जानबूझकर गलती करते हैं और लगातार गलती करते हैं, तो उनके लिए जुर्माना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। लेकिन जिनको कुछ नियम पता ही नहीं है और उनका सीधे जुर्माना कराना, मैं तो बिल्कुल गलत समझता हूँ। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि जिन नियमों को आप जानते हैं तो उसको बखूबी अपना, उस नियमों का पालन करें। हेलो रवि सिंह हाय, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, जी हाँ शहडोल से ही हूँ। हर हर महादेव,
आज नागपंचमी का त्यौहार है, सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद धीरज भाई। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग किसी भी सड़क से गुजर रहे हैं, किसी भी शहडोल से हूँ मैं, जी शहडोल से हैं आप, किसी भी जगह से गुजर रहे हैं, आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि मेरे द्वारा कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही है कि जिससे ट्रैफिक वायलेंस हो रहा है, ट्रैफिक रूल्स वायलेंस हो रहा है। आप ऐसा कुछ भी नहीं करना है। खास करके मैं स्पेशली मैंने दो वीडियो बनाए हैं अभी 16 से 18 साल के बच्चों के लिए जो गाड़ी चलाया करते हैं, और एक है लर्नर लाइसेंस जो लिए रहते हैं तो वो भी जो गाड़ी चलाते हैं। मैंने ये दो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो बनाए हैं जो मेरे आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको आसानी से वीडियो मिल जाएंगे। मैंने कोशिश किया है कि आपको वो वीडियो देखने के बाद कुछ और जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मैंने नंबर प्लेट के बारे में भी बताया है, अगर आपका नंबर प्लेट टूट गया है जो कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स ने ऑफिस में बना हुआ था RTO में, और उसके बाद आप नया लगवाना चाहते हैं, तो मैंने उसका भी वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि कैसा आपका प्रारूप होना चाहिए, कैसे आपकी गाड़ी में रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अक्सर लोगों में देखा जाता है कि लोग गाड़ी के पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर डलवा लेते हैं लेकिन आगे नहीं डलवाते, और आगे जो है नंबर प्लेट की जगह में कुछ भी लोग अपने बच्चों का नाम, अपना नाम या भगवान का नाम, कुछ भी अपना इस तरीके का टाइटल लिखवाते हैं, जो कि गलत है। नंबर प्लेट पे आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। और जय हिंद टू एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, नमस्ते मनीष जी, राघव जी। और देखिए मैं गाना नहीं गा पाता हूँ, मैं एक्चुअली अपने जो मेरा कंटेंट है उसी पे हमेशा बना रहना चाहता हूँ, और यकीन मानिए मैं आपको ट्रैफिक के सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हमारे हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, जो आपका सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स हैं 1988, 1989, और जो अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, और जो भी उसमें नए चेंजेस आते जाएंगे मैं सब पे आपको अपडेट करता जाऊंगा। और प्लीज़ आप लोग अपना जो ट्रैफिक रूल्स की, देखिए बुक की बात करें तो बुक नॉर्मली आप गूगल पे सर्च करके उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 1988, 1989 ये ट्रैफिक से रूल रिलेटेड हैं, आप ये PDF निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार रवीश कुमार जी, जय प्रकाश जी, प्रिंस कुमार, नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्कार। मेरा आपको मैं ये बता दूं कि अभी मैं ऑन ड्यूटी नहीं हूं, ऑफ ड्यूटी हूं, और जब भी मैं वीडियोस मेरे आते हैं या शॉर्ट्स आते हैं मैं उस टाइम पे ऑन ड्यूटी नहीं रहता हूं। हाँ, यूनिफॉर्म ज़रूर पहने रहता हूं। यूनिफॉर्म एक इसलिए पहनता हूं कि आपको ये चीज़ पता रहे कि मैं ट्रैफिक पुलिस वाला हूं और आपको ये जानकारी दे रहा हूं, तो ये जानकारी लगभग मैंने तथ्यात्मक चीज़ों की जांच करके आपको जानकारी दी है, तो आपको भरोसा हो मुझ पर। और प्लीज़ मैं ये भी चीज़ बताना चाहता हूं कि मेरा कोई भी वीडियो या शॉर्ट्स बनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता कि मैं किसी के दिल को दुख पहुँचाऊँ, ठेस पहुँचाऊँ, और कहीं से भी किसी को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं रहता है। मैं रीवा का हूं बेसिकली, मैं रीवा का रहने वाला हूं बेसिकली। शिवा गौतम जी, जी शहडोल में हूं, शहडोल पोस्टिंग हूं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं आपको, आपसे, कि जो भी 16 से 18 साल तक के बच्चों के लिए एक पहले गाड़ी चलाने के लिए मोटरसाइकिल विदाउट गियर ये लाइसेंस इशू हुआ करता था, इसमें 50cc से कम इंजन की गाड़ियों के लिए लाइसेंस होता था, लेकिन
क्योंकि पूरे इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में 50cc से कम इंजन की कोई गाड़ी नहीं चला करती है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस लाइसेंस को एक तरीके से खारिज कर दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको आप लाइसेंस मत समझिए और आफ्टर 18 साल पूरा होने के बाद ही प्लीज़ आप लोग गाड़ी चलाइए। 18 साल एक दिन की भी आप हो गए हैं तो आप अप्लाई कीजिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और एक महीने बाद जब भी आपको 6 महीने के अंदर अंदर करना होता है तो आप उसको परमानेंट वैलिड लाइसेंस बनवा सकते हैं। राजगढ़ से हैं ट्रैफिक कांस्टेबल जी, नमस्कार, जय हिंद, आप तो साथी हमारे, तो थैंक यू सो मच। जय भीम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल चला सकते हैं। देखिए एक और आपको बात बता दूं, आप किसी भी स्टेट में हैं और आपने वहां से गाड़ी खरीदी है तो पूरे भारत देश में आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं। ये नई गाइडलाइन जो आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, देखिए हमारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है हमारे जो, उनका एक सड़क सुरक्षा समिति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रोड सेफ्टी कमिटी है, सड़क सुरक्षा समिति है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स पर नज़र बना के रखती है कि आखिर वहाँ एक्सीडेंट क्यों हुआ और कैसे क्या किया जाए, ऐसी क्या क्या योजनाएं लाई जाए, ऐसे क्या क्या रूल्स लाए जाएं, ऐसे क्या क्या पाबंदियां लाई जाएं जिससे आसानी से मतलब एक्सीडेंट में कमी लाई जा सके, उसकी जो संख्या है दिनों दिन जो बढ़ रही है उसको घटाने का प्रयास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करता है। और उन्हीं के गाइडलाइन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो उसको फॉलो करवाता है। मैं बेसिकली रीवा से हूँ, अभी शहडोल पोस्टिंग हूँ। जय हिंद दिनेश, दिनेश भाई जय हिंद। कुशल ऑफिसियल जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ माफ कीजिएगा प्लीज, बहुत लोगों के नाम आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और डे टू डे जो मैं वीडियोस डालता हूँ उनको प्लीज़ आप देखा कीजिए, जो शॉर्ट्स पे मैं लिंक दे दिया करूँगा आप लोगों को, आपको वो वीडियोस देखना है, वो फुल वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर, बहुत बढ़िया, 9 अगस्त को है। चलिए देखिए, जहां हम रह रहे हैं शहडोल, ये हमारे आदिवासी क्षेत्र में आता है मध्य प्रदेश में, और मैं ये समझता हूं कि इस क्षेत्र में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की और यातायात शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि अमूमन गांव में 2-4-5 मोटरसाइकिल हुआ करती हैं और जब वो शहर तरफ आते हैं और उनको अगर हम पकड़ के सीधे जुर्माना करने लगें तो ये उनके साथ बहुत ही गलत होगा। तो मैं समझता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत सोच रहती है कि जितने भी लोग जो नियम को नहीं जानते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बारे में जानकारी देना है। नंबर प्लेट की जगह में स्टिकर से नंबर आप नहीं लिखा सकते हैं, आप नंबर लिखवाइए उसको, और जो उसका सिस्टम है कि सफ़ेद प्लेट होना चाहिए और काले स्याही से आपको अक्षर उसके लिखना है, और सभी जो अक्षर हैं चाहे जो अल्फ़ाबेट है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है सब एक इक्वल साइज़ के होंगे, ऐसा कर सकते हैं आप। गेमिंग छोरा जी मैं आपको जानता हूँ, चलिए बहुत अच्छी बात। मैं शहडोल से हूँ, शहडोल हमारा जो है, मैं शहडोल से हूँ, वेरी गुड। राजस्थान से दिनेश जी, जो भी जानकारी है मैं मैसेज आपको सबकी रीड कर लूँगा और आपको बाद में मैसेज के सभी के मैसेज का रिप्लाई कर दूँगा, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं।
देखिए ट्रेन में दूसरे ट्रेन में बैठ जाएंगे तो ये तो रेलवे डिपार्टमेंट का आपको जुर्माना लगेगा, गलती से अगर बैठ गए। देखिए क्या है आज की डेट पर, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये जानकारी नहीं है। अगर आप जैसे किसी चीज के अथराइज्ड हो गए हैं, जय हिंद जय हिंद, यादव जी, श्रवण यादव जी सभी सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब तो कीजिए ही और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब तो करते जा रहे हैं, संख्या बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को, लेकिन आप लोग बेल आइकॉन नहीं प्रेस कर रहे हैं। तो जो मैं वीडियो डाला करता हूँ, किसी भी रूल्स को पूरी तरीके से बताने में कुछ समय लगता है, और वो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो वीडियो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो वो रूल्स आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एकदम सही सटीक जानकारी दे सकूं। और कई बार लोग कमेंट्स करते हैं कि सर ये पूरे बिना हेलमेट के आपके शहर में चल रहे हैं, आप लोग कैसे अलाउ कर रहे हैं? तो आपको बता दूं कि अभी हमारे शहर की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पॉपुलेशन नहीं हो, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हो तो रूल्स फॉलो ही ना करें, लेकिन हम अभी यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं लोगों को बताना। तो जब ये महानगरों की तर्ज पे आएंगे कुछ समय लगेगा। देखिए एक ही दिन में अगर हम चाहें तो कि हर कोई हेलमेट लगाने लगे और हर कोई ट्रैफिक के सारे रूल्स फॉलो करने लगे तो ये पॉसिबल नहीं है। जी जी 18 साल से नीचे के हैं तो आप बाइक नहीं चला सकते हैं। वेरी बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आप बाइक मत चलाइए प्लीज़, इलेक्ट्रिक स्कूटी चला सकते हैं आप 25 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड रहती है स्पीड लिमिट के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी आप चलाइए और सेफ रहिए, सेफ ड्राइव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी जो है आपका लाइसेंस की बाध्यता है नहीं है। देखिए कार में मैंने एक चीज़ बताई आपको, ब्लैक फिल्म से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला है, आप में से किसी ने पूछा भी कितने परसेंट फिल्म लगा सकते हैं। अक्सर लोगों को जब रोका जाता है तो कार पार्लर वाले उनकी गाड़ी में अपने पैसे के फायदे के लिए वो ब्रेपर लगा देते हैं और बताते हैं कि VLT इसकी 30% 40% 60% VLT है, विजुअल लाइट ट्रांसमिशन। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्लीज़, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई ब्रेपर नहीं लगेगा, आपके फोर व्हीलर में ग्लास में कोई भी ब्रेपर नहीं लगेगा, 100% VLT होना चाहिए। और जो भी आप जैसे नई नई गाड़ियां आ रही हैं एजेंसी शोरूम से तो उनमें पहले से ही टिंटेड ग्लास है वो अलाउ है, और जो एजेंसी से चलती हैं उतना ही अलाउ है, आप उस पर अलग से कोई भी रैपर नहीं लगा सकते, कोई भी आवरण नहीं लगा सकते, कोई भी फिल्म नहीं लगा सकते। मैं बार बार अपने भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अब आप भूल जाइए कि 20% 30% 40% कितना कर सकते हैं, जो आपको शोरूम से मिलता है गाड़ी में जितना टिंटेड ग्लास का, चाहे साइड का हो चाहे बैक का हो, उतना ही अलाउ रहता है, आप उस पर कोई फिल्म या रैपर नहीं लगाएंगे। यस, लोकल में भी हेलमेट लगाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बार देखा गया है कि लोग कहते हैं कि सर मैं तो सब्जी लेने आया था, चड्ढा पहने हुए रहते हैं और बोलते हैं मैं सर सब्जी लेने आया था तो मैं क्या हेलमेट लगाऊं, फिर हेलमेट रखूंगा कहाँ, सब्जी मंडी में मैं कहाँ इसको लेते लेते घूमता रहूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अच्छी आदतों में शामिल कीजिए, आप एक बार आदत में आपके शामिल हो जाएगा तो आपको बिल्कुल भी उसका वजन समझ में नहीं आएगा, और वो हाईली प्रोटेक्टेड चीज़ है, आपका सिर जो है सुरक्षित है तो आपकी ज़िंदगी सुरक्षित है मैं मानता हूँ। तो ये आपको सर जे प्लस सिक्योरिटी वालों को अलाउ है, देखिए कुछ अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को ब्लैक फिल्म अलाउ, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और जे प्लस सिक्योरिटी जिनके ऊपर, उनको छोड़ के पूरे भारत देश में किसी को अलाउ नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक्टर हो, पॉलिटिशियंस हो, कोई भी हो, सबके लिए बराबर नियम है। केवल जो कुछ पद हैं, गरिमामय पद हैं अपने देश के, उनके लिए उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये अलाउ कर दिया गया है काली फिल्म।
बिल्कुल केयरलेस होते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम एज का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, इसमें 14 साल के 15 साल के बच्चे भी चलाते हैं, 25 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा नहीं। लाइसेंस के लिए क्या क्या लगेगा? तो लाइसेंस के लिए आप अपने जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है आपका RTO, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें जो आपका आधार कार्ड या जो वोटर आईडी वगैरह आपकी लगेगी। वो रैली के लिए सबसे पहले एक किसी ने पूछा है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है तो उसकी रैली है, उसके लिए क्या? तो उसके लिए परमिशन होती है जो आपका जो वहाँ पर SDM है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे आपके क्षेत्र के, वहाँ आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और पुलिस थाने में सूचना देनी पड़ती है ताकि आपके रैली और जुलूस के साथ पर्याप्त मात्रा में बल लग सके। जी, वेस्ट बंगाल से हैं, नमस्कार आपको भी। तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिलती है, मुझे पूरे भारत देश के हर एक स्टेट से लोगों के मैसेज आते हैं, दिल से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। जी, मैं शहडोल से ही हूँ, शहडोल मध्य प्रदेश का राज्य का एक संभाग है और बहुत ही अच्छा है, क्राइम रेशो यहाँ कम है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत बढ़िया भले लोग हैं, सीधे साधे हैं। मैं कांस्टेबल हूँ, मैं ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल हूँ। गुड, पुलिस लाइन से हैं, हर महादेव दो। हाँ, 50cc से नीचे वाले जो लाइसेंस है वो बैन हो चुका है एक्चुअली, ये जो MCWOG है ये पूरी तरीके से बैन है। आई एम फ्रॉम झारखंड। नवीन कुमार जी नमस्कार, झारखंड से हैं, बहुत बढ़िया। अपना काजी जी, देखिए जुर्माने की बात जो है वो जुर्माना उसका किया जाता है जो रियलाइज नहीं करता अपनी गलती को, और मैं आपसे बताऊं मैं कभी भी उसका जुर्माना नहीं कराया हूं जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है कि भैया गलती हो गई और नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। तो पहली बार तो मैं हर किसी को छोड़ा हूं, अब इसको आप मेरी कमजोरी कह दीजिए या जो भी कहिए, मैं पहली गलती हर बार माफ़ करता हूं, बस आप उसको रियलाइज़ करें कि आपने गलती किया है उसको। और वो ये बिल्कुल भी बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप गलती करके मेरे सामने आइए और बोलिए कि पहली बार गलती हुई है। तो साइकिल के लिए मैंने जो एक्चुअली बनाया शॉर्ट्स, वो रेड सिग्नल पे आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जब रेड सिग्नल पे आप रुकते हैं तो कहीं ना कहीं का ट्रैफिक चलता है, आप रुके हुए हैं तो एक ट्रैफिक चलता रहेगा, और जब साइकिल भी अगर निकल गई तो साइकिल वाला उस ट्रैफिक के बीच में आएगा, और साइकिल वाला अगर बीच में आता है ट्रैफिक के तो ये तो पूरे ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेगा, या तो पूरे ट्रैफिक ब्रेक लगाए अपनी गाड़ी पे और या तो उसको ठोकर मार के निकले, तो दोनों ही स्थितियाँ बहुत ही भयावह होती हैं और बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। तो साइकिल का जुर्माना नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे देश में कानून बना है वो मोटर व्हीकल एक्ट है और मोटर पे बना हुआ है, साइकिल चूंकि मोटर के अंतर्गत नहीं है। लेकिन रूल्स कैसे फॉलो करना है आपको ट्रैफिक रूल्स में, पैदल चलने वालों के लिए जैसे ट्रैफिक लाइट लगी हुई है उसमें पैदल चलने वालों के लिए भी नियम है, आप जानते हैं कि पैदल चलने वालों के लिए एक सिग्नल रहता है जो रेड पैदल का निशान चिन्ह बना रहता है उस पर, और जैसे ही रेड रहता है तो रुकते हैं पैदल वाले, जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं। तो जो एक व्यवस्थित चौराहा हुआ करता है जिसमें ट्रैफिक आइलैंड्स रहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग रहती है, स्टॉप लाइन रहते हैं, वहाँ व्यवस्था आपको दिखाई देगी। नमस्कार, राजस्थान से जोधपुरी प्रवीण जी नमस्कार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम करता हूँ सभी को, जो मुझसे बड़े हैं सबको प्रणाम करता हूँ और छोटों को बहुत प्यार, लव यू। क्रिकेट किंग जी, विकास भाई, अनुपम, तो मेरा केवल यही एक मकसद है, मैं आप लोगों से रूबरू होना चाहता था इस बात को लेके कि आप लोग मुझे समझें जाने, कोई फेक वीडियो नहीं रहता है। हाँ, स्क्रिप्टेड की अगर बात करें तो कुछ वीडियो हमारे स्क्रिप्टेड रहते हैं, मैं ऑफ ड्यूटी ही रहता हूँ,
उस टाइम पे मैं ऑन ड्यूटी नहीं रहता, उस चौराहे पे मेरी ड्यूटी नहीं रहती है। ये बात मैं एकदम क्लियर करता हूँ, हमको कोई भी परमिशन नहीं है अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार का वीडियो बनाने की, कोई परमिशन नहीं रहती है। तो ये मेरी दिलचस्पी है, मैं जब ऑफ ड्यूटी रहता हूँ तो अपनी वर्दी लगा के किसी रोड पर जाके और लोगों की जो गलतियाँ करते हैं मैं किसी तरीके से किसी की भी इंसल्ट के इरादे से वीडियो नहीं बनवाता हूँ। जो वीडियो बनाते हैं हमारे साथ रहते हैं वो अक्सर ऐसे ही रेंडमली चालू कर देते हैं, देखते रहते हैं, मैं हम लोगों से मिलते हैं और मैंने वीडियो अपलोड भी की है तो उनसे बाकायदा उनसे परमिशन ली है। उन्होंने कहा होगा सर कोई बात नहीं, ये हमारे वजह से अगर पूरा देश जागरूक हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, अपनी अच्छी आदतों में लाइए, एक ट्रैफिक एजुकेशन की तरह आप दिमाग में रखें। जैसे आप हर एक मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वैसे ही अपने दिमाग में आप ट्रैफिक एजुकेशन को रखिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी शहर के अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो उसका आईना होता है उस शहर का, वो एक आईने की तरह होता है कि अगर शहर का ट्रैफिक अच्छा चल रहा है मतलब कि उस शहर के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सुलझे हुए और बहुत ज़्यादा सिंसियर। देखिए चालान की राशि मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, जहाँ पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को लागू कर दिया, अमेंडमेंट एक्ट को पूरी तरीके से लागू किया गया है, वहाँ लगभग हर स्टेट में जुर्माना बराबर। जहाँ पर अभी पुराना ही चल रहा है 1989 का ही रूल्स चल रहे हैं तो वहाँ जुर्माना की राशि कम है। तो प्लीज़ आप ये सोच के बिल्कुल भी वो मत किया कीजिए कि मैं MP में मेरा कम जुर्माना हो जाता है, उत्तर प्रदेश जाता हूँ तो वही जुर्माना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत गलत करती है। प्लीज़ इस तरीके से कोई धारणा मत लाइए आप और रूल्स को फॉलो कीजिए। कभी भी ज़बरदस्ती वाली बात जो कि नहीं भाई, आप मैं ये समझता हूँ अगर आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, आप हेलमेट लगाए हुए हैं, आपने अपना RC, आपने अपना प्रदूषण सर्टिफिकेट, आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इनको अगर आपने डिजिटल फॉर्म में भी रखते हो, आप मोबाइल पे भी सेव करके रखते हैं आप और इनको दिखाएंगे तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान नहीं करेगा और आपको जाने देगा। आइए आप बिल्कुल मान के चलिए, बेवजह आपको कोई आपसे जुर्माना नहीं ले सकता है। मेरी बर्थडे डेट 1st November 1989 है, मैं 1st नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है उसी दिन। बिल्कुल जो LMP है लाइसेंस वो आपके मोटरसाइकिल के लिए वैलिड है और साथ ही साथ फोर व्हीलर के लिए भी, आपकी जो पर्सनल यूज करने की फोर व्हीलर होगी उसके लिए भी वो वैलिड होता है LMV। आप 16 साल के हैं फिर भी बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते रहिए, जिस दिन दुष्परिणाम सामने आएगा वो है, कोई बहादुरी का काम नहीं करते हो आप। अगर आप 16 साल के हैं और गाड़ी चला रहे हैं तो आपने कोई माउंट एवरेस्ट की फतह नहीं हासिल कर ली है। कई लोगों का ये कहना रहता है मैं 16 साल का हूँ और बाइक चलाता हूँ, तो ये आप ट्रैफिक पुलिस को से तो बच सकते हो आप, पर खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना के शिकार हो गए तो आपके परिवार के लोग और आपको अगर बाई चांस ज़्यादा चोट लग गई तो ज़िंदगी में पछताएंगे ही बस, कोई बहादुरी का काम नहीं है आप, बेवकूफ़ी है ये। रनिंग लाइसेंस नहीं चल रहा है 18 साल ओल्ड के लिए। देखिए 18 साल एक दिन के भी आप हैं तो आप अप्लाई करेंगे, आपको लर्निंग लाइसेंस मिलेगा, लर्नर्स लाइसेंस मिलेगा और लर्नर्स लाइसेंस के लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, लर्नर लाइसेंस से रिलेटेड आपको 4-5 मिनट का वीडियो और बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है बताने को, तो आपको एक एक बारीकी से हर चीज़ पता हो जाएगी, चाहे टू व्हीलर में रहेंगे चाहे फोर व्हीलर में रहेंगे, जो एल मार्क वगैरह है वो तो सारी चीज़ें आपको वीडियो में अवेलेबल हो जाएंगी। 16 से 18 साल के लोग के बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स हैं उनमें अक्सर ये देखा जाता है कि उनके सामने ये बात आती है सामने कि सर हमको ट्यूशन जाना रहता है, कोचिंग जाना रहता है और इसके लिए हम क्या करें, दूर दूर जाना रहता है, 2-3 कोचिंग क्लासेस जाते रहेंगे, अगर साइकिल का यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लीजिए,
25 किलोमीटर पर आवर से जिसकी स्पीड ना हो और आप उसको चलाइए। सर जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब नन्हा ओझा, नमस्कार प्रशांत भाई, नमस्कार संतोष भाई, नमस्कार अनुराग भाई, नमस्कार। हाँ अगर आपकी बाइक का नंबर किसी और स्टेट में है तो किसी भी स्टेट में आप रह सकते हैं। ये कुछ दिन पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है, रह सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 6 महीने से ज़्यादा आप एक स्टेट के रजिस्ट्रेशन तो दूसरे में नहीं रह सकते थे, लेकिन अब उस पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पूरे भारत देश में कहीं से भी आपका रजिस्ट्रेशन हो किसी भी स्टेट में आप चलाइए। गांव के लिए क्या नियम, देखिए गांव गली मोहल्ला जहां पर पुलिस रहती नहीं है वहां तो आप पूरी मनमर्जी करते हैं, ये अक्सर देखा जाता है। स्टंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, जहां आपको ट्रैफिक ज्यादा नहीं दिखेगी ओवर स्पीड ले लेंगे आप, तो प्लीज कि कोई बहादुरी का काम नहीं करते हैं आप। और अगर करना ही है तो इस समय कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, आप देख रहे हैं अपने इंडिया का कितना अच्छा अभी परफॉर्मेंस है, तो कुछ अच्छा ही करना चाहते हो आप, कुछ स्टंट ही करना चाहते हो आप, तो ओलंपिक के लिए तैयारी करो कि हमारे देश नंबर वन पे आ जाए। इंडिया में चाहता हूँ कि मेरा इंडिया जो है इतनी पॉपुलेशन है, इतने अच्छे जवान, इतने काबिल लोग हैं, तो वो फर्स्ट रैंक ले आए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, हम अमेरिका और चाइना को पीछे कर लें। पर ये गाड़ी चला के या स्टंट मार के या ओवर स्पीडिंग करके ये इसमें कोई बहादुरी का काम मैं नहीं समझता हूँ। जय हिंद, जय हिंद महादेव जी, जय हिंद विजय भाई, विजयकांत, गौरी शंकर, जय हिंद, थैंक यू थैंक यू। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी आपके क्वेश्चंस हुआ करें आप पूछ सकते हैं, पर ये स्थितियां पैदा ना हो कि मेरी मेहनत बेकार ना जाए। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से नियम का पालन करें। आपके घर के बच्चे अगर ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप के पापा या मम्मा आपकी जब घर से बाहर निकलती हैं बिना हेलमेट के निकलती हैं, आप टोकिए, रोकिए उनको, टोकिए आप कि और बताइए कि आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, आपको कुछ हो गया तो हम रह नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक अवेयरनेस ले आइए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कोई भी हमारा भाई रोड पर ना खत्म हो। मैं ये चाहता हूँ कोई भी अपना भाई जो है एक्सीडेंट से किसी की जान ना जाए। देखिए मैं ये समझता हूँ, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, आज 8 साल हो गया आपकी, पूरी 10वां साल चल रहा है नौकरी का, कोई पुलिस वाला आपसे पैसे नहीं मांग सकता। मैं ये पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि कोई पुलिस वाला आपको नहीं कहेगा कि दे बेटा मेरे को पैसे दे दे, मैं जेब में डाल दूँ। अपन पेनल्टी के लिए जुर्माना की जो राशि होती है वो गवर्नमेंट के खाते में जाती है। हाँ अब आप जबरदस्ती उसको पैसे दे रहे हो, किसी लेना नहीं चाहिए उसके बावजूद भी, लेकिन अगर कोई लेता है तो वो गलत है और आप भी गलत है, मैं दोनों को गलत मानता हूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें, पर आपसे कोई पैसे मांगता है परेशान करता, परेशान करने के लिए पुलिस नहीं है। आप थोड़ा सा अपना व्यू उसको चेंज कीजिए, आप उनको मौका ही मत दीजिए। आप अगर सड़क पे चलते हैं, एक बार अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपकी गाड़ी रोकी है तो आपको गाड़ी रोक देना चाहिए। इसके लिए भी एक अलग मोटर व्हीकल एक्ट में धारा है, आपको बता दूं कि किसी वर्दीधारी के पुलिसकर्मी के द्वारा गाड़ी रोकने पर न रुकना अपराध की श्रेणी में आता है। तो प्लीज़ कभी भी अगर कहीं भी अगर कोई पुलिस वाला वर्दी पे है, ऑन ड्यूटी है और वो आपकी गाड़ी रुकवा रहा है, आप रुकिए। हाँ सर बताएं, पोलाइटली बिहेव कीजिए। अगर वो सुरक्षा देने के लिए खड़े हुए हैं तो आप सुरक्षित महसूस होइए वहाँ। अब आप पहले ही सर नहीं सर मेरे पास तो इतना नहीं है सर, जुर्माना के लिए 100-200 रुपये ले लीजिए सर, तो ये आप ही गलत हो और अगर वो ले लेते हैं तो बहुत ही गलत है, तो मैं ये मानता हूँ। हाँ चप्पल पहन के शूज पहन के चलाइए ना बाइक, रहते हैं देखिए ट्रैफिक रूल्स। कई लोगों को देखा जाता है कि शायद पता नहीं और पता भी होगा तो वो जान अनदेखा करते हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं। मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर और बताऊंगा कि जुर्माना कितना होना है आपको उसमें,
बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ट्रैफिक रूल्स का वायलेंस है ही, साथ ही साथ बहुत रिस्की है। व्हीकल का अगर डॉक्यूमेंट गुम जाए तो आप उसके लिए आप थाने में सूचना दे सकते हैं। दूसरा, आपको जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है आपका, वहां से वो आपके डॉक्यूमेंट्स फिर से आ जाएंगे। नरोजाबाद के हैं आप अमित पाल जी, नरोजाबाद के हैं, यहां पर ट्रैफिक पुलिस नहीं है। जी जी, देखिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो वही पुलिस है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप सभी को कि कोई पुलिस से अलग संस्था नहीं है, पुलिस विभाग का ही जो रोड के लिए, रोड देखने के लिए, ट्रैफिक देखने के लिए उन्होंने एक थाना बना लिया और उस पर उन्होंने पोस्टिंग कर दी। तो जब जरूरत पड़े ट्रैफिक के हिसाब से, तो जो फोर्स होगा अवेलेबल होगा, तो फिर 100% नरोजाबाद में भी ट्रैफिक पुलिस होंगे। हेलमेट के लिए कितना जुर्माना है आप पूछ रहे हैं। हाँ, मेरा इंटरव्यू ओझा जी, इंटरव्यू दे तो रहा हूँ आपको, वेलकम है, कभी भी आइए इंटरव्यू के लिए। आपको भी नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान शंकर जी आप सभी की जो रक्षा करें और नाग देवता कृपा बनाए रखें। देखिए लाइसेंस न होने पर जुर्माना की राशि आप पूछ रहे हैं, जुर्माने की राशि तो है ही, जो है सबसे बड़ी समस्या है आपके साथ। देखिए गाड़ी पे लाइसेंस नहीं है और बीमा नहीं है गाड़ी का, तो उसका बहुत ज़्यादा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आप सोचे भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा आपको खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है। तो जो पुलिस पकड़ के जुर्माना करती है वो तो राशि बहुत ही कम है। खुदा ना खास्ता बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ही की आप एक्सीडेंट हो जाए या आप एक्सीडेंट कर दो किसी का, ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। थैंक यू, मुझे अपनी पूरी ट्रैफिक पे प्राउड है, मैं शेडो से हूँ। ओपी गेमर, गीता जी, महादेव सिंह आसाम से भी हैं, मेरे पूरे भारत देश के हर एक राज्य के लोगों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, दिल से धन्यवाद। और आप लोगों ने जो है इतना प्यार दिया, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखा करें आप। वीडियोस में आपको पूरी तरीके से एक एक रूल्स मैं बताऊँगा, एक एक वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप प्लीज़ देखा कीजिए। मैं हर एक नियम के अलग अलग आपको, जुर्माना की राशि तो आपको अवेलेबल हो जाएगी आप गूगल पे, लेकिन जो तरीका होता है मैं चाहता हूँ वो आपको वीडियो के माध्यम से बता सकूँ। यूट्यूब चैनल का मेरा केवल यही उद्देश्य था कि मैं चाहता हूँ कि मैं भारत देश के हर एक मोबाइल पे दिख सकूँ, आसानी से अपनी बात रख सकूँ। लर्नर लाइसेंस वाले प्लीज़ ध्यान देंगे, और जो 16 टू 18 ईयर्स ओल्ड हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी ध्यान देंगे। प्लीज़ वीडियो देखिए आप जाके, और वीडियो से आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका पूरी तरीके से आप एकदम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपकी। और नंबर प्लेट के लिए, नंबर प्लेट का आप वीडियो देख सकते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे चैनल के, आपको पूरे वीडियोज अवेलेबल हैं, वो देखिए आपको। और मैं डे टू डे, अभी एक दो दिन से थोड़ी व्यस्तता की वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं वीडियो बनाऊंगा जो वो आपके सभी वीडियो आपके एक एक अलग अलग रूल्स के लिए, मतलब आप सीधे प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रैफिक की पूरी आपको बुक मिल जाएगी। विवेक जी, वेरी गुड, नाइस नेम। देखिए आप, पूरे देश में एक ही नियम कानून है, कहीं पर उसका कड़ाई से पालन हो रहा है, कहीं पर कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है। प्लीज ये बिल्कुल मत समझिए कि हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है, हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है। जहां पर ज्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक का फोर्स का डिप्लॉयमेंट ज्यादा है, जहां फोर्स डिप्लॉयमेंट ज्यादा है वहां पर आपको ज्यादा कड़ाई से नियम का पालन करवाना पड़ रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और जहां फोर्स कम है तो उस हिसाब से कि अभी धीरे धीरे
आपको अवेयर करके, ऐसा नहीं है कि कहीं के लिए मना है, ट्रैफिक रूल्स हर जगह फॉलो करना है आपको। कैमरे की क्वालिटी बहुत गंदी है, चलिए ले लेंगे दूसरा मोबाइल। मैं अपनी बात जो बताना चाहता हूँ वो जरूरी है, मैं कोई मूवी एक्टर नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मूवी बनाना है तो कैमरा। मैं आपको जो बात करना चाहता हूँ वो शराब पीकर वाहन चलाना है, इसका मैं वीडियो अभी लाऊंगा। देखिए कई बार ये देखा जाता है कि लोग नशे की हालत में वाहन चलाते हैं, तो नशे की हालत में वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है। दो लोग बैठे हुए हो तो गाड़ी वो चलाए जो बिल्कुल भी पिया नहीं है। और कई बार लोगों के मन में ये भी रहता है कि सर कितना पी के चला सकता है। एक बार अभी कल ही एक आदमी पैदल आते आते पूछा भैया कितना पी सकते हो, मैंने कहा उसको एक ढक्कन पी लेना था। तो ड्रंक एंड ड्राइव वाला जो केस है ये सबसे ज़्यादा है, इस पर जुर्माना की राशि सबसे ज़्यादा है और ये कोर्ट से होता है। ऑनरेबल कोर्ट जितना आपका फाइन करेगा बहुत ज़्यादा 10,000 के तो ऊपर ही है जुर्माना इसका, किसी भी स्टेट में इससे कम नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें, किसी भी कंडीशन में आपको उसको गाड़ी के स्टेयरिंग नहीं देना है, उसको गाड़ी नहीं चलाने देना है जो ड्रिंक किया हुआ है शराब के नशे में। थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया, प्लीज़ बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। देखिए शराब बंद कर दीजिए, ये सब कमेंट्स आ रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि शराब बनी हुई तो आप पिए ही और पी के गाड़ी ही चलाएं। पहली बात तो शराब पीना ही सामाजिक बुराई है, मैं और चाहता हूँ कि आप पहली बात तो पिया ही मत करो, तो गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं चलाना है किसी भी कंडीशन में। शराब पीकर वाहन बिल्कुल भी नहीं चलाना है, अब बिल्कुल भी शराब पीकर नहीं चलाना है, बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं है। अल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होना चाहिए, लीगल कितना है, इलीगल कितना है, आप क्यों सोचते हैं? आप पैक बना रहे हो, पता नहीं कितने का पैक बना रहे हो, कितने ml का हो रहा है वो। मैं बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं कहूँगा, आपको बिल्कुल भी नशा करके वाहन नहीं चलाना है, क्योंकि ट्रैफिक पे हम अकेले नहीं चल रहे हैं और किसी का परिवार चल रहा है साथ में और लोग भी चलते हैं, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अपना तो अपना, अपनी जान जोखिम में डालना ना तो दूसरे की। जी मैं शेडोस हूँ, चलिए ठीक है आज के लिए मैं इतना ही। अब मैं अगली बार लाइव होऊंगा आप लोगों के सामने, तो कोशिश ये करूँगा कि चौराहे पे आपको बताऊँ, जब मेरी ड्यूटी नहीं रहेगी तो मैं उस चौराहे पे पहुंचूंगा और आपको किसी भी एक मॉडल चौराहे तिराहे स्क्वायर का आपको जानकारी दूंगा कि ये लेफ्ट टर्निंग क्या है, ट्रैफिक सिग्नल क्या है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक वीडियो बनाया भी है, पीली बत्ती जो अंबर लाइट होती है, जब भी ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम में ग्रीन, अंबर लाइट और रेड लाइट, ये तीन लाइट होती हैं। अंबर लाइट मींस येलो जिसको आप लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऑरेंज भी बोलते हैं, एक्चुअली वो अंबर लाइट है। तो उसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको एकदम क्लियर बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ट्रैफिक हमारा स्टॉप लाइन के पहले रुकता है, किसी भी चौराहे तिराहे में जहाँ भी ट्रैफिक हमारा स्टॉप लाइन के पहले रुकता है, वहाँ पर यदि आपको पीली बत्ती दिख गई है तो रुक जाना है, एक इंच भी गाड़ी को नहीं बढ़ाना है। अगर आप पीली बत्ती देखकर इग्नोर कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे तो आप बीच में फंस जाओगे रेड सिग्नल पे, फिर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकेगी तो आप कहोगे ये क्या बात हुई। तो ये जो धारणा बना के रखे हो आप लोग कि नहीं पीली बत्ती जल रही है अभी तो रेड हुई नहीं है, निकलो निकलो निकलो, निकलो, ये आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक सिग्नल पे जहाँ ग्रीन और रेड के साथ पीली बत्ती लगी हुई जल है, जब वो जलती है और आप इनिशियल पॉइंट में हो जहाँ से ट्रैफिक को रुकना रहता है स्टॉप लाइन पे और जेब्रा क्रॉसिंग के पहले हो, तो आपको हर हालत में पीली बत्ती देखकर रुक जाना है, ठीक। ये बहुत ज़रूरी बात थी मैंने आपको बताया, और
आप गलती करते हैं और उसके बाद कहते हैं थोड़ा सा तो बचा था। और अक्सर ये देखा जाता है बड़े बड़े शहरों में, मैं देखा हूँ ये गलतियाँ लोग करते हैं कि आखिरी के जो 4-5 सेकंड बचे रहते हैं, रहता रेड सिग्नल है बट 4-5 सेकंड बचे रहते हैं तभी आप भागना शुरू कर देते हैं, तो वो समय बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि एक ट्रैफिक चलता रहता है और आप उस दरमियान न वो ट्रैफिक रुक पाया और आप चल दिए, तो इसमें दुर्घटना की संभावना है। तो प्लीज़ आखिरी सेकेंड तक, जब तक ग्रीन आपको दिख न जाए तब तक आप गाड़ी आगे मत बढ़ाइए। ये पूरे देश में बहुत जगह ये लोग कर रहे हैं गलती, तो प्लीज़ ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें। सभी को, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और सभी को नमस्कार, जय हिंद।